करके रघुनाथपुर से, जहां पर रेल हादसे के बाद रेल पटरियों को दुरुस्त करने का काम अब युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। हादसे के बाद अप और डाउन दोनों ही लाइनें बाधित हैं। हादसे के बाद अब तक परिचालन इस रूट पर सामान्य नहीं हो पाया है, शुरू नहीं हो पाया है। रेल प्रशासन पटरियों को ठीक करने और डिरेल बोगियों को हटाने के काम में लगातार जुटी हुई है। परिचालन शुरू होने से हजारों यात्री राहत की सांस लेंगे, क्योंकि कई ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें इस वक्त रद्द रखा गया है, कई के रूट को बदल दिया गया है, यानी कि वक्त आपको ज्यादा लग रहा है अपनी यात्रा को पूरा करने में। आपको ये बताते चले कि बक्सर के रघुनाथपुर यही वो स्टेशन है जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर नॉर्थ ईस्ट सुपर फास्ट एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई थी। ट्रेन की 21 बोगियां पटरी से उतर गई थी, 4 लोगों की दुखद मौत हो गई थी, जिनके लिए राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से सहायता राशि का ऐलान किया गया। वहीं बड़ी खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां पर बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। भारत नेपाल बॉर्डर, जहां से इस विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि भारत आने का प्रयास जो है, इस विदेशी बांग्लादेशी जो नागरिक है, जो पहचान के तौर पर सामने आ रही है इस वक्त, बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेश का रहने वाला है। गिरफ्तार नागरिक से पूछताछ भी लगातार हो रही है। गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक का नाम रकीबुल इस्लाम बाबू बताया जा रहा है। अब इससे पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि भारत आने का प्रयास इस शख्स की तरफ से नेपाल के रास्ते किया जा रहा था, लेकिन इसे एसएसबी की टीम ने पकड़ा है। रकीबुल इस्लाम बॉर्डर से पकड़ा गया है और अब लगातार उससे पूछताछ की जाती हुई कि आखिर बांग्लादेशी नागरिक भारत में प्रवेश क्यों करना चाह रहा था। दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है। भारत नेपाल बॉर्डर से इसकी गिरफ्तारी। वहीं अगली खबर भागलपुर से, जहां नाथनगर थाने में दस्तावेजों को देखिए किस तरीके से धूप में सुखाया जाता है। ये तस्वीर आप देखेंगे तो एक बार की कुछ सोचेंगे कि आखिर इन कागजों को धूप में क्यों रखा गया है। तो ये थाने के दस्तावेज हैं, बहुत महत्वपूर्ण है भाई, लेकिन उसका रख रखाव देखकर आपको कहीं से नहीं लगेगा कि अब इनके अंदर जान बची हुई है, ये किसी काम के लायक भी है। थाने के भवन को देखकर आपको ये थाना नहीं प्रतीत होगा। थाने में रखे कागजात पानी में भीग कर आधे सड़े गले स्थिति में हैं। फाइलों को प्लास्टिक से ढककर बचाने की जद्दोजहद की जा रही है। थाने की कई फाइलें सरकारी उदासीनता की वजह से बर्बाद भी हो चुकी हैं। उन्हें तो कोई देखने पूछने और सुनने वाला भी नहीं है। तो एसएसपी ये कहते हैं कि नए भवन के निर्माण के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, 6 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया, अब वो प्रस्ताव पर मोहर लगेगी, बनेगा, तब जाकर शायद ये कागज जो है वो सुरक्षित हो पाएंगे, लोग सुरक्षित हो पाएंगे। जो सामने जो नाला भी है वो ओवरफ्लो करता है, उसका पानी नाथनगर थाने में इन करता है, जिससे कि कागजातों के रखरखाव में बहुत परेशानी होती है। इसी संदर्भ में पूर्व में ही नया थाना भवन और 6 LS और 6 US और 1 सिपाहियों का बैरक बनाने के लिए लगभग 6 करोड़ का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया है। 1.5 माह पूर्व भी इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक महोदय के माध्यम से पत्राचार किया गया है। तो देखिए नाथनगर थाने का हाल क्या है, जहां पर दस्तावेजों को कैसे बचाने का प्रयास कर रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि थाने के जो पुलिस वाले हों, कर्मचारी हों, उन्हें